वेलकम बैक टू लर्निंग विद सुजाता। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट नंबर 18, जहां पर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस को इनटू लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिनका डिनोमिनेटर कॉमन करना या कॉमन होता है। सो हियर 4 एंड 8, सो फर्स्ट वी विल सी द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 टू मेक इट कॉमन। ठीक है, सो हियर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 8, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 में 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 8 के टेबल में 8 2s are 16, सी 16 16 इज कॉमन। सो हम क्या करेंगे, हम 3/4 को, 4 को मीन्स 4 4s are 16, राइट, सो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर 3 4s are 12 एंड 4 4s are 16। देन 5/8 को वी विल मल्टीप्लाई, बिकॉज 8 2s are 16 है, तो 5 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 5 2s are 10 एंड 8 2s are 16। सो वी गॉट द नंबर 3/4 एंड 5/8 लाइक फ्रैक्शंस जो हुए, इस उसके लाइक फ्रैक्शंस बने हैं, दैट इज 12/16 एंड 10/16। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 3/5 एंड 3/7, जहाँ पर हम मल्टीपल्स चेक करेंगे 5 और 7 के, जहाँ पर हम मल्टीपल देखेंगे 5, जहाँ पर हमें 5 का टेबल लिखना है टिल 7 एंड 7 का टेबल लिखना है टिल 5। इसे हम डायरेक्टली 5 7s are 35 एंड 7 5s are 35 भी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल सॉल्व स्टेप बाय स्टेप कि मल्टीपल ऑफ 5 में हमें मिला है 35 और 7 5s are 35। ओके, सो 3/5, जहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होने वाला है 7 से, सो उसका न्यूमरेटर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 5 7s are 35 एंड 3 7s are 21। 3/7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर 3 5s are 15 एंड 7 5s are 35, वेयर 3/5 एंड 3/7 इज अ लाइक फ्रैक्शन, जिसका लाइक फ्रैक्शन है 21/35 एंड 15/35। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/5 एंड 3/10, जहाँ पर हम डिनोमिनेटर को कॉमन करने की कोशिश करेंगे फॉर मेकिंग इट अ लाइक फ्रैक्शन, जहाँ पर हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25, 10 के टेबल में 5 2s are 10, सी 20 20। इससे भी स्मॉलर नंबर हम ले सकते हैं, बट लेट्स सी विद दिस 4/5, जहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 5 4s are, तो न्यूमरेटर भी 4 से होगा, 4 4s are 16 एंड 5 4s are 20। Now here 3/10, जहाँ पर 10 2s are 20 आया था, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 2s are 6, 10 10 2s are 20। Now here 4/5 एंड 3/10 का लाइक फ्रैक्शन हमें मिला है, दैट इज 16/20 एंड 6/20। क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज 2/9 एंड 1/6। सेम अभी हम देखेंगे कि 9 और 6 में कॉमन नंबर कौन सा है, सो फॉर दैट वी विल सी द मल्टीपल ऑफ 9 एंड मल्टीपल ऑफ 6। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, सी 18 18 कॉमन मिल गया। सो 2/9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 1/6 को 3 से, वी गॉट द आंसर 4/18 एंड 3/18, विच शोज दैट लाइक फ्रैक्शन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। हियर इज सम नंबर 5, 1/4 एंड 2/3। सेम 4 और 3 हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो वी कैन से दैट 4 3s are and 3 4s are, सो 1/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर 1 3s are 3, 4 3s are 12, और 2/3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर 2 4s are 8 एंड 3 4s are 12। सो वी गॉट द नंबर 1/4 एंड 2/3 इज अ लाइक फ्रैक्शन, बन गया है 3/12 एंड 8/12। क्लियर, सो 12 इज द कॉमन डिनोमिनेटर। नंबर 6 है 5/6 एंड 4/5। ना 5 6 के टेबल में जाता है, ना 6 5 के, सो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे कि 5 6s are एंड 6 5s are। सो 5/6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर 5 5s are 25 एंड 6 5s are 30, वेयर 4/5 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6 से, सो 5 6s are एंड 4 6s are, वेयर 4 6s are इज 24 एंड 5 6s are 30। सो वी गॉट द नंबर 25/30 एंड 24/30, विच शोज अ लाइक फ्रैक्शन। क्लियर, डिनोमिनेटर कॉमन है 30। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट है सम नंबर 7, दैट इज 3/8 एंड 1/6। सो मल्टीपल है
सिक्स का और एट का देखते हैं, हम सिक्स एट ज़ा और एट सिक्स ज़ा भी कर सकते हैं, बट अगर उसके नियर वाले नंबर्स मिल रहे हैं तो दैट इज़ ग्रेट. सो वी गॉट सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर एंड एट थ्री ज़ा इज़ ऑल्सो ट्वेंटी फोर. क्लियर? सो थ्री अपॉन एट वेर एट मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर. Upon 6 is multiplied by 4. So 1 4 is 4, 6 4 is 24. So hume number mila hai, that is 3 upon 8 and 1 upon 6 has become a like fraction, which is 9 upon 24 and 4 upon 24 is the answer. Here is a question number 8. क्वेश्चन नंबर एट है 1 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 9, जहाँ पर वी कैन से मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9 देखेंगे. हम डायरेक्टली 6 9 ज़ा एंड 9 6 ज़ा भी कर सकते हैं, बट अगर उससे भी स्मॉलर नंबर अगर हमें मिल रहा है तो दैट इज़ ग्रेट. सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42. वेन 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 आ गया. क्लियर? तो कॉमन हमें मिला है 18. तो 1 अपॉन 6 जो है 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो उसका न्यूमरेटर भी 3 से होगा. सो 3 1 ज़ा 3 एंड 6 3 ज़ा 18. 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई होने वाला है 2 से, सो 4 2 ज़ा 8 एंड 9 2 ज़ा 18. सो वी गॉट द नंबर 1 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 9 का लाइक फ्रैक्शन बन गया है 3 अपॉन 8 एंड 8 अपॉन 18. सो योर वी हैव कम्प्लीटेड द प्रैक्टिस सेट. Hope you have understood, and if you have any queries or a question regarding this, you can ask me in the comment section. Before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for more such updating videos.